नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंहांगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुफ्त व्यापार समझौता करने का किया फैसला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते के सिलसिले में चल रही बातचीत में हो रही अच्छी प्रगति। मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष भी मुलाकात के दौरान थे मौजूद। एपीएसएसबी के नए सचिव और पीजीटी टीजीटी की नियुक्ति, सरकारी कर्मियों के प्रमोशन के लिए डीपीसी की बैठकें समय पर कराने, एपीपीएससी के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करने सहित कई अन्य अहम विषयों पर हुई चर्चा। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर तवांग और ईस्ट सियांग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। तवांग को सेवा प्रदान करने और जन शिकायतों के समाधान में सुधार के लिए, जबकि ईस्ट सियांग को मिशन इंद्रधनुष के तहत नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रोड मैप 2030 की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने रोड मैप में हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। उन्होंने भारत में चल रहे व्यापक सुधारों, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की योजना और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन पर भी चर्चा की। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है, बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना भी मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीपीएससी के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करने, विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न यानी समय से पहले प्रमोशन के रेशनलाइजेशन, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एपीएसएसबी के लिए नए सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण, एपीपीएससी द्वारा पीजीटी और टीजीटी की जल्द नियुक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नियमित तौर पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियों की बैठक कराने और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन समय पर जारी करने के परामर्श दिए ताकि खाली पदों को जल्द भरा जा सके।
ईटानगर के डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आज अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय सेमिनार की शुरुआत हुई। पहाड़ों पर टिकाऊ सड़कों और पुलों के डिजाइन और निर्माण के विषय पर हो रहे इस सेमिनार का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने किया। भारतीय रोड कांग्रेस के सहयोग से हो रहे इस सेमिनार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए बनाए जाने वाले रोडमैप का सही समय पर क्रियान्वयन जरूरी होता है और ऐसा नहीं होने पर रोडमैप व्यर्थ साबित होता है। 100 साल होगा और अभी से लेकर 25 साल में हमारा क्या विजन होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के लिए। विकास का हम रोड मैप कैसे बनाए हैं तो उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन भी हुआ। मैंने कहा कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन होता है होना है और जो की जो 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 सेक्टर्स है हमको की सेक्टर्स को चुन के हमारा रोड मैप बनाना है। जो रोड मैप बनाने में थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम मत लीजिए। अब रोड मैप जब बनाएगा तो टाइम ले लो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम तो ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन के बाद उसका रोड मैप बनेगा तो यही है सस्टेनेबल। आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक संदेश में कहा कि यह धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी पृथ्वी भारत में जिसे माँ का रूप माना गया की रक्षा उसका संरक्षण उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली ये विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है। वायु में शांति हो अंतरिक्ष में शांति हो पृथ्वी पर शांति हो जल में शांति हो औषधि में शांति हो वनस्पतियों में शांति हो विश्व में शांति हो सभी देवता गणों में शांति हो। ये समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाले पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी ये भूमि देवी मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श करूं। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। अपर सियांग जिले के यिंग्योंग टाउन में गुरुवार को अपर मार्केट एरिया में लगी भीषण आग में लगभग 50 घर और दुकान जलकर राख हो गए और इस घटना में 3 लोग घायल हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और तूतिंग यिंग्योंग के विधायक आलो लिबांग ने फोन पर डीडी न्यूज को ये जानकारी दी। भारतीय सेना के अरुणाचल स्काउट्स एंड जवानों के जवानों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने आग पर काबू पाने में अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस की मदद की। इसके अलावा पीड़ितों को रहने की जगह और मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अस्थायी राहत शिविर बनाया गया। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राज्य के तवांग और ईस्ट सियांग जिलों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तवांग को सेवा प्रदान करने और जन शिकायतों के समाधान में सुधार के लिए 2020 का जबकि ईस्ट सियांग को मिशन इंद्रधनुष के तहत नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2019 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग और ईस्ट सियांग जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम की तारीफ की है और कहा है कि इससे सीमाई इलाकों के गांव को विकसित करने में मदद मिलेगी। पिछले दिनों नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत गांव को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने फिलहाल 30 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है।
पर मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री को कॉल ऑन किया था। एक तो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग था उसको ऑनरेबल रक्षा मंत्री से प्रेसिडेंट वो मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं अरुणाचल स्पेसिफिक खास करके बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने चर्चा किया। और इस बार अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो घोषणा किया है कि जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस का जो डेवलपमेंट के लिए उस प्रोग्राम के अंतर्गत में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है बॉर्डरिंग जो स्टेट्स है उसके साथ में हम लोगों का चर्चा शुरू हो गया है कि बॉर्डर स्टेट्स को और भी कैसे डेवलपमेंट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी हम लोग ने बॉर्डर जो गांव है उसको डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट फेज में हम लोग ने 3 गांव को डेवलपमेंट करने का हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुका है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 30 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑनगोइंग BADP स्कीम है वो भी चल रहा है। सो देखते हैं अभी ये जो नया अनाउंसमेंट हुआ है जो बॉर्डर डेवलपमेंट का वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस तो उसका अंतर्गत में आई थिंक काफ़ी सपोर्ट अरुणाचल को मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में बन रही सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित होने को लेकर कहा है कि अगले 2-3 सालों तक बारिश के मौसम में यह समस्या बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में स्थित हिमालय के पहाड़ नए हैं जिसकी वजह से यह समस्या आ रही है, लेकिन जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास जारी है। क्योंकि अरुणाचल इसे अपना पहाड़ी इलाका है और इस बार का जो मानसून है थोड़ा अर्ली आ गया है, हम लोग सब देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो हम लोगों का जो हिमालयन का जो पोजीशनिंग है वो भी एक यंग माउंटेन है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है। तो अभी कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है तो अभी फॉर्मेशन कटिंग कर दिया तो कम से कम 2-3 साल उस रोड को स्टेबलाइज होने में एक्चुअली लगता है, मगर बारिश इतना सीवियर होने के कारण से सब जगह में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुआ है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो अलर्ट आते हैं उसको इन एडवांस लोगों तक वो लोग थ्रू सोशल मीडिया हो और थ्रू रेडियो के माध्यम से हो और रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में वो लोग अपना प्रचार जो है वो कर रहा है। अपर सियांग जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। विधायक कांगोंग ताकू ने बुधवार को गेकू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण लिया गया। मेले के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में जागरूक किया गया और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई। इस अवसर पर गेकू के ESC फिलिप जरांग, DMO मोली रुबा, DRHO डॉक्टर अंदंग सितेक सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वेस्ट सियांग जिले के मुख्यालय आलो में गुरुवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 20वीं बटालियन के हिमवीरों ने योग अमृत महोत्सव के तहत एक योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में ITBP के जवानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ITBP के हिमवीरों को योग के महत्व और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ईटानगर स्थित आवास पर गुरुवार रात को बिहू उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र में रहने वाले असमिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने असमिया समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक बिहू डांस भी किया। अपने बिहू नृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल और असम के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध हमेशा फूलता रहे। लोहित जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को वाकरो ब्लॉक के मैदो गांव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेले के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में जागरूक किया गया और आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की गई। इस अवसर पर DMO CL मानचाय, मदो के गांव बुरा बाक लोसो मन्यु सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ में एवरी फैसिलिटीज़ का जो है
मेडिसिन स्पेशलिस्ट आया हुआ है, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट आया हुआ है, विद सोनोग्राफी मशीन आया हुआ है, पीडियाट्रिशियंस भी आया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है, और हमारे पास में गायनेकोलॉजिस्ट भी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी आया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कामथी निवासी रोहन अग्रवाल से मुलाकात की। श्री मेन ने एक ट्वीट में बताया कि 20 वर्षीय रोहन अग्रवाल पूरे भारत का पैदल भ्रमण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक रोहन अग्रवाल देश के 23 राज्यों से गुजरकर और 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर अरुणाचल प्रदेश पहुँचे हैं। श्री मेन ने रोहन को उनकी भविष्य की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन के बारे में। चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा ली। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृह नगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृह नगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने डामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांति। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।